हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास फिफ्थ में अपने हिंदी सब्जेक्ट में लेसन सेकंड बेटा, लेसन सेकंड पेज नंबर 28, लेसन सेकंड पेज नंबर 28 का आओ करें सिक्स क्वेश्चन करेंगे। आओ करें सिक्स यानी लेट्स ट्राई सिक्स। हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह घूमने जा रहा है। तो इसमें सर्वनाम शब्द आपका कौन सा है? वह, वह आएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, तरुण अपनी कार के साथ खेलना पसंद करता है। तो आपको गोला किस पे लगाना है? अपनी पर। यहाँ पे सर्वनाम क्या है? अपनी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तारा और उसकी माँ रेलगाड़ी में यात्रा कर रही है। तारा और उसकी माँ रेलगाड़ी में यात्रा कर रही है। तो हम किस पे सर्कल करेंगे? उसकी पर। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यह जग मेज पर रख दो। यह जग मेज पर रख दो। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है? यह है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, यह खिलौना किसका है? तो यहाँ पर सर्वनाम आपका है यह है और किसका है। तो हम यह पर गोला करेंगे और जो किसका है उसको सर्कल करेंगे यानी उस पर गोला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो हमको सर्कल किस पे करना है? जो आपका सर्वनाम शब्द है और वह, इन दोनों को सर्कल करेंगे। एंड आपका सिक्स सेवन क्वेश्चन है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पर सर्वनाम क्या है? कोई है। आपका एक क्वेश्चन है, मैंने अपने आप गृह कार्य पूरा कर लिया। तो आप किसको सर्कल करोगे? मैंने, ये आपका सर्वनाम शब्द है, अपने और आप इन तीनों को सर्कल करोगे क्योंकि तीनों ही सर्वनाम है। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा था? यानी हमारे सामने एक सेंटेंस दिया गया था, इस पर हमें सर्वनाम शब्दों को गोला करना था, तो हमने सर्वनाम शब्दों को सर्कल किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ करें सेवन पेज नंबर 29, लेट्स ट्राई सेवन। इसका क्वेश्चन क्या है? उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है जिसमें कुछ फिलअप यानी फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए, उसको हमको कंप्लीट करके उस अनुच्छेद को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? नाम वरुण है। तो क्या आएगा? मेरा नाम वरुण है। नेक्स्ट क्या आएगा? मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे गणित और हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे गणित और हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरी शिक्षिका दोनों ही विषयों के लिए मुझे शाबाशी देती हैं। मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को ये दोनों विषय पसंद नहीं है। फिर क्या आएगा? ये आएगा, क्योंकि वे, यानी वे आएगा क्योंकि वे इसमें अच्छे अंक नहीं ला पाते। पर फिर क्या फिलअप आएगा? मेरा मानना है कि अगर हम सभी परिश्रम करें तो अच्छे अंक आना संभव है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस अनुच्छेद को भी कंप्लीट कर लिया। आओ करें सेवन, आओ करें एट। आओ करें एट ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क में क्या बोला जा रहा है? दिए गए अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर उनके भेद कॉपी में लिखिए। यानी इस अनुच्छेद में आपको सर्वनाम शब्दों को छांटना है प्लस उसके भेदों को हमें बताना है। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, जो आप सेल्फ करोगे। ओके बेटा, गुड डे।